चरणों की गिर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। गुरुदेव तेरे चरणों की गिर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, मैं भजन करूं कैसे। ये मन बड़ा चंचल है, मैं भजन करूं कैसे। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। गुरुदेव तेरे चरणों की गिर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। गुरुदेव तेरे चरणों की गिर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही संवर जाए। एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही संवर जाए। गुरुदेव तेरे चरणों की गिर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ भगवन जीवन ही संवर जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
एक भजन और हम लोग श्रवण करें। किसी साधक ने मन की चंचलता पर बहुत ही अच्छा ये भजन उन्होंने गाया है, वह भजन आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए। गर्भवास में कॉल किया नाम जपूंगा मैं तेरा, गर्भवास में कॉल किया नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। गर्भवास में कॉल किया नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए। जब लग तेल दिया में बाती जगमग जगमग होए, जल गया तेल बुझ गई बाती ले चल होए। जब लग तेल दिया में बाती जगमग जगमग होए, जल गया तेल बुझ गई बाती ले चल होए। चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी के से जरे जस घां, सोने जैसे काया जल गई कोई न आवे पार। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी के से जरे जस घां, सोने जैसे काया जल गई कोई न आवे पार। अपने पराए होते हैं दिखलाने के लिए, दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए। हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए,
हर दम है तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए। अंत समय में पाप पुण्य ही संग तुम्हारे जाएगा, समय चूक जाने पर प्राणी सिर धुन धुन पछताएगा। अंत समय में पाप पुण्य ही संग तुम्हारे जाएगा, समय चूक जाने पर प्राणी सिर धुन धुन पछताएगा। सतसंगत कुछ कर ले, सतसंगत कुछ कर ले भौस्त तरने के लिए, भौस्त तरने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरुगुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरुगुण गाने के लिए। हर दम है तैयार पाप कमाने के लिए, हर दम है तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरगुण गाने के लिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब गुरुवाणी का पाठ किए, उसके पश्चात गुरु वंदना रूप भजन श्रवण किए, उसके पश्चात मन की चंचलता पर यह भजन गाया गया है, और साथ ही समय निकालने को कहा गया है कि हमको अपने व्यस्तम समय से समय निकाल कर कुछ आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए, समय निकालना चाहिए प्रभु गुण गुण के लिए, समय निकालना चाहिए। लेकिन मनुष्य का जो मन बड़ा पापी मन है, बड़ा चंचल मन है, यह मन शुभ काम तो करना चाहता है, पवित्र जगह में बैठना चाहता है, और अच्छे लोगों के बीच भी बैठना चाहता है, लेकिन इस मन में बड़ा खुराफात चलता है। एक सेठ जी थे, सेठ जी के मन में आया कि मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, बहुत पूंजी इकट्ठी की, घर बहुत आलीशान बनाया, अब मुझे अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ के प्रति मेरा ध्यान कम रहता है, नहीं दे पाता था, तो मैं माता जी की अब सेवा करूँ, अब काम धाम को छोड़कर उनकी सेवा करूँ, उनके बीच बैठूँ। इसी भाव को लेकर एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि मैं अपने जितने भी आसपास के लोगों को बुलाऊं और उन सबके बीच माँ की पूजा करूं, आराधना करूं। अभी हम सब देख रहे हैं कि जगह 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 गणेश बैठाए जा रहे हैं, और बहुत हर्ष उल्लास से लोग गणेश को स्वागत करके लाते हैं बाजा गाजा फटाका के साथ, और बाजा गाजा और फटाके के साथ विदा कर भी रहे हैं। तो सेठ जी के मन में ख्याल आया, ध्यान आया कि मैं अपनी माता की पूजा अर्चना करूं, और उन्होंने एक पंडित जी को निमंत्रित किया।
पंडित जी को निमंत्रित किया, पंडित जी ने मुहूर्त भी निकाल दिया और उस मुहूर्त पर तैयारी शुरू हुई। सेठ जी माँ की पूजा आराधना तो करनी है तो माता को कहीं बैठाना ही पड़ेगा, माता जी को अच्छी जगह पर। तो उन्होंने एक सोने की चौकी बनाई और उस छोटी सी चौकी में माता जी को समय के अनुसार में बैठाया गया, उनके चरण पखारे गए और बढ़िया विधि विधान से पूजा पाठ किया गया और सब लोग सेठ जी की वाहवाही कर रहे हैं। बहुत सुंदर सेठ जी ने, बस यह पूजा पाठ का क्रम जैसे ही समाप्त हुआ, सेठ जी बोलते हैं, पंडित जी जिस माँ जिस चौकी पर, जिस सोने की चौकी पर बैठी है, बैठी थी, उस सोने की चौकी को मैं आपको दान करता हूँ। बहुत सुंदर पब्लिक बहुत खुश हो गए, पंडित जी भी खुश हो गए और बहुत सबको बढ़िया अच्छा लगा। लेकिन सेठ जी एक बात कह गए, सब तो बोले लेकिन एक बात और कह गए, बोलते हैं कि पंडित जी मेरे जैसे कोई आपको दानी मिल गया, मिला है आज तक के, मेरे जैसे कोई दानी आपको मिला है? अब हम धर्म का काम किए, लोगों को बुलाए, पूजा पाठ किए, माता जी को पूजा पाठ किए, चौकी पर बैठाए, सब अच्छा किए सेठ जी, लेकिन दान किए तो उसको भी दान में उनका अहम जागृत हो गया, अहम जाग गया। और पंडित जी भी बड़े वैरागवान थे, तपस्वी थे, उन्होंने अपने जेब से एक का सिक्का निकाला और पंडित सेठ जी को पुनः दान वापस कर दिए। और पंडित जी ने कहा, क्यों सेठ जी, कोई ऐसा आपको दानी मिला है दानी जो आपको वापस कर दिया? कहने का मतलब यह है, इस कहानी का सार है कि ये जो मन है हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, ये जो हमारा जो पापी जो मन है हरदम जो नहीं सोचना चाहिए उस चीज को यह सोचता है, जो नहीं करना चाहिए उस चीज को यह करता है। तो सदगुरु कहते हैं, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, और मन मन करते शुर नर मुनि जड़े मन के लक्ष्य द्वार। सदगुरु कबीर साहेब हम सबको इस मन की चंचलता को बताते हैं। या मन की जो चंचलता है, कोई बच्चे जवान या बूढ़े सबके लिए, सबके पास सम है चंचलता जो है। ऐसा नहीं कि हमारे बाल पक गए हैं, हमारे शरीर में शिथिलता आ गई है, हम कमजोर हो गए हैं तो हमारा मन भी उस सब का शांत है, कमजोर, ऐसा नहीं है। या मन उस अवस्था में पके बाल वाले व्यक्ति को भी देखा जाता है, बूढ़े व्यक्ति को भी देखा जाता है, बड़ा वहां पर भी बड़ा ऐसा काम करता है जिसे असोचनी लगता है। जैसे किसी भी शादी पर विवाह में कोई बूढ़े भी बहुत बहुत धूमधाम से नाचते रहते हैं, कारण क्या है? मन की उनके पास चंचलता भरी पड़ी है। कहीं देखेंगे तो खाने में ज्यादा ललूपता है, बहुत ज्यादा ललूपता है, क्योंकि हमने उस पर काम नहीं किया, मन पर हमने काम नहीं किया, इसलिए हमारा जो मन है जिन जिन विषयों से हमें हटना चाहिए, जिन चीजों से हमको हटना चाहिए, उन पर बारंबार जाता रहता है। इसलिए इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, इसी मन की चंचलता को देखते हुए किसी साधक ने एक कल्पना वाली भजन बनाया कि हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। बंधुओं,
आज इसकी सबसे बड़ी कमी है। अभी हम पिथौरा गांव, पिथौरा में जब गए थे, वहाँ एक छठी का और जन्मदिन का दोनों एक साथ उन्होंने मनाया और उसी में सत्संग प्रवचन और पंडवाने का भी उन्होंने कार्यक्रम रखा। जो व्यक्ति बुलाया था वो साहेब मेडिकल, उसके दो मेडिकल थे वहाँ, माने एक व्यवसायिक जगत में उनके अच्छा नाम है, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से सबको निमंत्रण किया, सबको निमंत्रित किया था। लेकिन हमने जिस वो सोचा था कि हमारे व्यवसायिक लोग जैसे आएंगे, वैसे लोग नहीं आ पाए। कारण यही है कि सब अपने अपने काम धंधों में इतना बिजी हैं, इतना व्यस्त हैं कि किसी के पास समय ही नहीं है कि हम कि प्रभु की वंदना करें, प्रभु का गुणगान कर लें, आत्मचिंतन कर लें, ऐसा बहुत कम नजर आता है। कहीं भी हम देखते हैं, अभी हम वहाँ थे राजस्थान में, राजस्थान में एक क्षेत्र है बीकानेर, बीकानेर में एक भाई ने बहुत अच्छा सत्संग का कार्यक्रम रखा, बहुत बड़ा हाल उन्होंने बुक करवाया, हाल था वहाँ बुक करवाया था उन्होंने, पूरे हाल एसी की व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ भी लोग जो संख्या होनी चाहिए नहीं की समान थी। हैं पढ़े लिखे हैं, गाड़ी घोड़ा हर कुछ है उनके पास, लेकिन गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति लोगों की रुचि बहुत कम होती है। तो सद्गुरु कहते हैं, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। ई मन चंचल है, कैसा चंचल है मन, हम बंदर को जान देखते हैं कि बंदर एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठता है, कभी इधर कभी उधर दौड़ता ही रहता है। गिलहरी है, कभी एक जगह शांत नहीं होती है। हम मेढा को किसी तराजू में तौलना चाहें तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं तौल पाएंगे। इसी प्रकार ये हमारा मन है, सदैव चंचल बना हुआ है। तो सद्गुरु कहते हैं, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। मन मन करते शुर नर मुनि जड़े, मन के लक्ष्य द्वार। सद्गुरु कबीर मनुष्य को तो नहीं, बड़े बड़े जो नामी ग्रामी लोग का नाम लेते हैं, ये भी मन के बहाव में बह गए। इसलिए बंधु हमें चाहिए कि हम अपने मन का कंट्रोल पावर अपने पास रखें, तभी हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो सकता है। मन के बहाव के कारण आदमी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि इस मन को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इस मन, ये जो मन की जो तकलीफ है, इस मन की तकलीफ को वह कहीं दूसरी जगह शांत करना चाहता है। राजस्थान में एक रामदेव बाबा दरबार है, वहाँ मान्यता है कि हम चल के जाएंगे, बहुत बड़े दूर दूर से 200, 250, 300 किलोमीटर दूर लोग झंडा पकड़ के जाते हैं, और यह मान्यता है कि उसके दरबार में जाएंगे और उनके दर्शन अगर हमें हो गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ये मान्यता है। अभी हम लोग अयोध्या में थे, बोलबम बोलबम चारों तरफ बोलबम का नजारा है, लेकिन उस बोलबम में धर्म का काम है, बोलबम एक धर्म का काम है, पानी चढ़ाने जाना है, पानी देना है शिवलिंग में, लेकिन वहां भी लोग मन की चंचलता ही काम का काम करते हैं। कोई चीपों की आवाज कर रहा है, कोई तो डीजे से नाचते हुए जा रहा है, बहुत कुछ अभद्रता का नजर आती है। अभी गणेश का पर्व है, गणेश में क्या गणेश भगवान ने कहा है कि बेटा मेरे डीजे से स्वागत करो, मेरा डीजे से स्वागत करते हुए मुझे ले जाओ विसर्जन, जहाँ ले जा रहा हो जिस पंडाल मुझे बैठाना है, और डीजे के साथ मुझे विसर्जन करो, क्या गणेश भगवान ने कहा। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं, माहौल बदल रहा है, और ऐसे ऐसे लोग करते जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले डीजे जैसी कोई नामी नहीं था, लोग सहज गड़वा बाजा बैंड बाजा में लेके जाते थे गणेश भगवान को। तो जैसे जैसे नया नया कोई आता है, वैसे वैसे लोग उसमें ढलते जाते हैं और अपने अनुसार करते हैं। पहले देखा जाता था गणेश भगवान सिंपल रूप में दिखते थे, उनकी जो मूर्ति होती थी बड़ी सिंपल सिंपल नजर आते थे,
लेकिन आजकल कंप्यूटर का युग है, बस डिजाइन एक से एक बना के बनवा रहे हैं लोग, तो ये सब क्या चीज है? चंचलता है। तो सदगुरु कहते हैं ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठकहार, मन मन करते सुर नर मुनि जड़े, मन के लक्ष्य द्वार। बंधुओं, हम लोग को सच्ची शांति तभी मिलेगी जब हम अपने मन को स्वस्थ करेंगे, शांत करेंगे, तभी हमारा कल्याण है। इसी में हमारी सुख और शांति छुपी हुई है। हम अपने सुख और शांति को कहीं बाहर ना ढूंढें, अपने आप में देखें, अपने में देखें, तभी वो हम सच्ची आनंद की ओर, सच्ची शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।